ये भारती भैया मूल निवासी चैनल में ये आपका स्वागत है। साहब आपका संक्षिप्त परिचय। मुझे राजवीर सिंह कहते हैं जी, और यादव शक्ति पत्रिका का संपादन करता हूँ जी। मैं तो नहीं यादव लिखता हूँ, लेकिन मुझे राजवीर सिंह यादव के नाम से ही लोग जानते हैं जी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब ये बताओ कि यदुवंशी भगवान कन्हैया के बारे में आप उनको किस रूप में देव मानते हो, परमात्मा मानते हो, इष्ट मानते हो, भगवान मानते हो, सुर मानते हो, असुर मानते हो, राक्षस मानते हो, दैत्य मानते हो, आपकी क्या विचारधारा है कि आपके वंश में पैदा हुए, लोग बता रहे हैं। देखिए, कृष्ण जो थे वो हमारे पुरखे थे, इसमें कोई दो राय नहीं जी। और पुरखे होने के नाते जिसका प्रमाण पूरा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ये दर्शाया गया है कि कृष्ण काले थे। कृष्ण का मतलब ही काला होता है, तो ये कृष्ण काले थे, इसलिए इन ब्राह्मणों ने कृष्ण की बेइज्जती करने के लिए जो हिंदी महीने के दो पखवारे होते हैं, एक का नाम रखा है शुक्ल पक्ष। अच्छा। शुक्ला जो है एक ब्राह्मणों की जाति उपजाति होती है। अच्छा, अच्छा। और जो जिसमें जो अंधेरा पाक होता है उस पक्ष को इन्होंने कृष्ण पक्ष रख दिया नाम, क्योंकि कृष्ण काले थे तो उसका नाम कृष्ण के नाम से रखा गया। ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष है। हाँ, इसीलिए मतलब गोरे ब्राह्मण जी काले शूद्र। तो एक तो ये प्रमाण है। दूसरा प्रमाण ये है कि अगर कृष्ण क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय जो है वो कभी गाय भैंस नहीं चराता है। ये भी सही कहा। राम क्षत्रिय थे, लक्ष्मण क्षत्रिय थे, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वगैरह ये कभी गाय भैंस चराते नहीं दिखाए गए हैं। नहीं दिखाए गए। लेकिन कृष्ण जो है वो शूद्र वर्ग में थे तो उनको गाय भैंस चराते दिखाया गया है। अगर ये क्षत्रिय होते तो गाय भैंस इनसे चरवाई नहीं जाती। इसका हमें ये उद्देश्य लग रहा है कि इन ब्राह्मणों ने कि मतलब उनको एकदम बद्दी या गंवार बना दिया। हाँ, इसका यही उद्देश्य जा रहा है जी। और दूसरा ये है कि देखिए लिंग कहाँ से जुड़ता है। पूरे देश में होलिका मनाई की त्यौहार मनाया जाता है। और होली थी, होलिका थी कौन? होलिका को लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन प्रहलाद को जानते हैं। प्रहलाद जो था वो हरदोई में हिरण्यकश्यप राजा था, उन्हीं का पुत्र था। तो हरदोई में जो राजा थे हिरण्यकश्यप, उनके लड़के का नाम प्रहलाद था, और प्रहलाद के लड़के का नाम बीरोचन था जी। और बीरोचन के लड़के का नाम बलि था जी। और बलि के लड़के का नाम बाणासुर था। हाँ। जिसने वाराणसी बसाई है। वाराणसी जो है वो बाणासुर ने बसाई थी, उन्हीं के नाम पे वाराणसी का नाम रखा गया। अब इधर आ जाइए, बाणासुर के एक लड़की थी जिसका नाम था ऊषा। और वो कहाँ ब्याही थी? देखिए, शादी ब्याह बराबर में होते हैं। कृष्ण और वसुदेव और देवकी समझिए, चाहे नंद बाबा यशोदा समझिए, उनसे पैदा हुए कृष्ण। और कृष्ण और रुक्मणी से पैदा हुए प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न और महामाया से पैदा हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी जो है वो बाणासुर की लड़की ऊषा से हुई थी। अच्छा। जबकि सारे लोग जानते हैं कि प्रहलाद को और बाणासुर को, पूरे खानदान को जो है वो असुर बताया गया है। और असुर की शादी असुरों से तो होगी। सही। इधर चूंकि कंस को अभी असुर बताया गया है, तो जब कंस असुर था तो कंस की बहन देवकी वो भी असुर थी। उससे जो लड़का पैदा हुआ कृष्ण, वो भी असुर था। और कृष्ण से जो लड़के पैदा हुए वो भी तो असुरे रहेंगे, तभी तो उनकी असुरों में शादी हुई। वरना जो है बाणासुर की लड़की से शादी होने का कोई सवाल नहीं उठता था। यादव लोग शादी तब भी बराबरी में करते थे और आज भी करते हैं। आज भी कोई यादव जो है वो अनुसूचित जात में विवाह नहीं करता है स्वेच्छा से। तो आज नहीं करता है तो तब भी नहीं करते थे। शादी ब्याह हर बिरादरी में बराबरी में होते हैं। तो यह प्रमाणित होता है कि वो असुर थे। दूसरा ये है कि जो सत्यनारायण की कथा लोग सुनते हैं, हिंदू धर्म के लोग, उस सत्यनारायण कथा में सातवां अध्याय है जिसमें राजा तुंगध्वज जो हैं वो जंगल में शिकार खेलने जाते हैं।
और शिकार खेल के जब वापस आते हैं तो जंगल के बाहर ग्वाले अहीरों के ग्वाले लड़के जो थे ग्वाल बाल, ये सत्यनारायण की कथा किए थे। अच्छा। और कथा करने पर इन्होंने सोचा कि राजा साहब आ रहे हैं तो राजा साहब को प्रसाद दे दिया जाए। तो राजा साहब को प्रसाद देने के लिए जब वो गए तो राजा साहब ने प्रसाद उनका नहीं लिया, ये समझ करके कि ये नीच ग्वाल बालों के लड़के हैं। नीच है। मैं नहीं कहता हूँ, ये संतान व्रत की कथा कहती है कि ये नीच हैं। भागवत में भी सुनाया जी, इसके अलावा रामायण के उत्तर कांड में भी दिया है 129 दोहा के आगे वो छंद दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि आभीर यवन किरात खलग रूप जे। उसमें लिखा हुआ है तुलसीदास की रामायण में कि अहीर जो है आभीर यवन, नंबर एक का पापी अहीर होता है, नंबर दो का पापी मुसलमान होता है, और जातियां तीसरे चौथे किस नंबर पे आती हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन नंबर एक और नंबर दो का विवरण तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस में कर दिया है कि नंबर एक का पापी अहीर है, नंबर दो का पापी यवन माने मुसलमान है। ये हो गया। और अगला उदाहरण जो है वो ये है कि अभी 2017 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। हाँ, जीता जागता उदाहरण। हाँ, और उसके बाद में उस कुर्सी पे जो है माननीय योगीनाथ जी को बैठा ला गया। तो योगी जी ने वो अखिलेश की कुर्सी गोमूत्र से धुलवाई, वो पूरा आवास ही धुलवाया। वही अगर ये अखिलेश छत्री होते, क्योंकि अखिलेश की शादी तो एक छत्राणी से हुई है, वो छत्राणी से हुई है, वो उनके रिश्तेदार हुए, तो अगर अखिलेश को, अखिलेश यादव को छत्री समझते तो वो गोमूत्र से क्यों धुलवाया जाता। ये भी प्रमाण है कि यादव जो है वो छत्री नहीं है। नहीं जी, इसके अलावा तमाम से ऐसे प्रमाण हैं कि जिनमें ये बताया गया है कि ये यादव जो है वो छत्री वर्ग का नहीं है। एक केस पटना हाई कोर्ट में हुआ था और उस पटना हाई कोर्ट में भी ये एक महंत ने ये वहाँ पे दायर किया था कि मैं इसका महंत बनूंगा मठ का। तो वहाँ पे निर्णय हुआ था हाई कोर्ट का, क्योंकि तुम उच्च वर्ग से नहीं आते हो और अहीर जाति से हो, अहीर जाति शूद्र वर्ण में आती है, इसलिए आप मठ के महंत नहीं बन सकते हैं। अच्छा जी, अभी अभी 5-6 महीने ताजा उदाहरण है, एक तमिलनाडु में एक महिला थी जो उच्च वर्ग की थी, उसके यहाँ खाना बनाने का काम एक राधा नाम की यादों की महिला करती थी। अच्छा। तो उसको जब ये मालूम हुआ ये अहीर जाति से है तो उसको मारा पीटा, उसके खिलाफ़ FIR भी दी तमाम पेपरों में और तमाम मीडिया में ये उछला। ये भी ताज़ा उदाहरण है। तो यादव जो है कहीं से उनके ग्रंथों में वो छत्री प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। छत्री नहीं हो रहा महाराज, लेकिन सूत्र की कटागरी में आ रहे हैं जी। अब चार वर्ण उन्होंने बनाया है, ब्राह्मण छत्री वैश्य और शूद्र। तो जब कहीं से भी कृष्ण को छत्री घोषित नहीं उन्होंने किया। भाई यहां तक कि आप समझ लीजिए कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत के युद्ध में भी कृष्ण को वो छत्री नहीं माने हैं, क्योंकि अगर छत्री होते तो वो लड़ते, तो वो छत्री उनको नहीं माना गया है। कहीं से भी ये प्रमाणित नहीं होता है कि यादव बिरादरी जो है वो छत्री है। याद, और इसके अलावा जो DNA रिपोर्ट प्रकाशित हुई है 2001 में, और इस पिछले इस अंक में भी मैंने DNA रिपोर्ट प्रकाशित किया है। DNA रिपोर्ट के हिसाब से इस देश के OBC, SC, ST और माइनॉरिटी का DNA एक है, भारत के मूल निवासी हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं। और ब्राह्मणों का DNA इन लोगों से नहीं मिलता है, उनका अलग है, ना यादवों का मिलता है, ना अनुसूचित जात के लोगों का मिलता है। तो जब DNA नहीं मिल रहा है, जो सबसे प्रमाणिक चीज है, तो ये कहाँ से हो गई? ये सारे लोग जो इस देश के OBC, SC, ST और माइनॉरिटी हैं, ये सब एक ही श्रेणी में आते हैं और सारे लोग शूद्र की श्रेणी में गिने जाते हैं और माने जाते हैं। हमारी विचारधारा साहब ये आती है कि ब्राह्मण जो आर्य विदेशी आक्रंता ब्राह्मण हमारे देश में आए, तो उन लोगों ने क्या किया, हर जाति में एक एक भगवान पैदा करने का काम किया, ताकि ये भगवानों को पूजते रहें, शासन सत्ता शिक्षा और संपद
और विज्ञान सबसे ये दूर हो जाए। देखिए भगवान का मतलब ये होता है, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो डिक्शनरी देख लेंगे, भग माने होता है योन और वान माने होता है उसको चलाने वाला। जिसके पास ज़्यादा धन होता है उसको धनवान कहते हैं, जो रिक्शा चलाता है उसको रिक्शावान कहते हैं, जो गाड़ी चलाता है उसको गाड़ीवान कहते हैं। उसी प्रकार से जिसके पास ज़्यादा भग होती है उसको भगवान कहा जाता है। बहुत से बुद्धिज्म के लोग वो बुद्ध धम्म को समझ नहीं पाए हैं और वो बुद्ध को भी भगवान की संज्ञा दे देते हैं, जबकि बुद्ध ने भगवान और ईश्वर आत्मा परमात्मा का खुल के विरोध किया है। उसके बाद आज उनके अनुयायी जो नकली अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के जो नकली अनुयायी हैं वो बुद्ध को भगवान कहते हैं, जबकि उनको भगवान नहीं कहा जाना चाहिए, तथागत गौतम बुद्ध बोलना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे चर्चा हुई और सभी श्रोताओं को हमारी ओर से नमो बधाई। जय हिंद, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल्यवासी।